अरे वाह बहुत बढ़िया भाई तुम इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे हो हैं इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे भाई तुम मैं अर्चित तुम्हें बताता जा रहा हूं अच्छा तुम्हें लगा पर ट्रेन आई है गुरुजी नहीं आए और मैं पता है पंद्रह मिनट से भाषण दे रहा हूं यहां सारा प्रैंक ही खराब कर दिया मेरा चलिए मेरे साथ हो गया प्रैंक तुम्हारे चक्कर में आओ प्रतिशत हम कवर कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और बताओ यार तीन मिनट तक मतलब मैं बोलता रहा हूं बताओ तुम बता देते ना तो मैं कब का आ जाता रहा टाइम पे परसेंटेज का पार्ट सिक्स आज हम कवर कर रहे हैं एक्सप्रेस बैच में आपकी टॉपिक वाइज बढ़िया कंसेप्चुअल प्रैक्टिस चल रही है बढ़िया मजा आ रहा है बच्चों को और अच्छे से चीजें कवर भी हो रही हैं और सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों को एक्सप्रेस बैच से हो रहा है जिन्होंने फाउंडेशन को कवर किया हुआ है तो फाउंडेशन तो आप सभी को पता है कि लेना है और आप सभी विद्यार्थी लेके बैठे भी हैं और जो बच्चे नहीं लिए हैं वो ले लो सुबह नौ बजे आपका हरीश एक्सप्रेस दस बजे आकाश एक्सप्रेस ग्यारह बजे आपका साहिल एक्सप्रेस चलती है मंडे टू सैटरडे और आपके लिए इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस होती है जहां पर आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करवाते हैं तो आज जो हमारा प्रैक्टिस का मिजान है जैसे तीन बजे मैं आज क्या लेने वाला हूं टॉपिक वाइज लेने वाला हूं आज तो सैटरडे संडे हम टॉपिक लिया करेंगे सैटरडे संडे हम टॉपिक लिया करेंगे और आप सभी विद्यार्थियों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इन टॉपिक्स के माध्यम से आज जो हम तीन बजे लेने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस लेने वाले हैं और कल जब मैं लूंगा सिंप्लीफिकेशन लूंगा है ना कल भी सेशन होगा तीन बजे वो सिंप्लीफिकेशन होगा और मंडे टू फ्राइडे सी होगा छह बजे आज आपका क्या होने वाला है सी होने वाला है ठीक है और हरीश भैया आपका दस बजे क्या लेने वाले हैं हरीश भैया ने आज बताया कि यार मैं ये लूंगा सर बच्चों के लिए एक मिनट बता देता हूँ क्या बताया था हरीश भैया ने हरीश भैया लेने वाले लेक्स इन इंडिया बाय मैप हाँ लेक्स इन इंडिया बाय मैप मतलब मैप के थ्रू जो लेक्स होती हैं सारी वो आपको हरीश भैया आज कवर करवाएंगे रात को दस बजे ठीक है तो कुछ ऐसा डिफरेंट टॉपिक से क्या होगा कि आप आपका जो मतलब स्टेटस माइंड ऑफ स्टेटस है ना वो आपका चेंज भी होगा और अच्छा भी आपको लगेगा ठीक है चलिए आइएगा स्टार्ट uh, करते हैं ये ये टेलीग्राम चैनल है मैथ बाई साहिल सर सर क्विक ट्रिक्स साहिल वहीं पर ही आपको पीडीएफ मिलती है जो बच्चा ए निकालना चाहता है निकल जाएगा टेक्नीशियन निकालना चाहता है निकल जाएगा एन निकालना चाहता है निकल जाएगा लेवल वन निकालना चाहता है निकल जाएगा बस अच्छे से आर बैच को ज्वाइन कर लो एक ही बैच एक ही नारा सेलेक्शन होगा अब बस आपका ठीक है और क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर एप्लीकेशन पर यह बैच मिलेगा क्वालिटी कॉन्टेंट ऑफर के साथ में आपको मिलने वाला है देखो अच्छा पढ़ना है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर अच्छा नहीं पढ़ पाते जुड़ना है और रेलवे सेक्शन में आप जब जुड़ोगे तो आपको टेस्ट भी मिल जाएगी कल संडे है कल संडे को 11 बजे हरीश भैया आपके लिए शानदार फिजिक्स की मैराथन लेकर आने वाले हैं तो आप जुड़िएगा और आपके लिए संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है अब फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो मजबूत तो बनाएगा बनाएगा अब हम स्टार्ट करते हैं 92 टू नंबर क्वेश्चन से पहले आपसे चाहूंगा कि प्रश्न को ढंग से पढ़ें और यह बताएं कि यह क्वेश्चन कौन से टाइप का है क्योंकि आप लोगों को पहला मकसद है समझाना कि यह किस तरह का प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एक बार वीडियो शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा जनरली ये क्वेश्चन आपने 30 सेकंड में पढ़ा जा सकता है अब इस क्वेश्चन की महिमा को जानते हैं कि कैसे कर पाएंगे आप इसको कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40 परसेंट अंक प्राप्त किए कुल 200 मार्क्स में से चाल चालीस परसेंट यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर साठ अंक प्राप्त करने हैं विद्यार्थी को कुल मिलाकर साठ अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए बताइए चलिए तो कहानी बहुत सिंपल है कि पहले पेपर में और दूसरे पेपर में पहले पेपर में 200 नंबर हैं दूसरे पेपर में 200 नंबर हैं और कुल मिलाकर आपका जो टोटल आ रहा है वो 400 नंबर आ रहा है ये एक अनुपात है ये एक अनुपात है और यह दो अनुपात है ठीक है भैया कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को चलिए अब पहले पेपर में कुल 200 में से 40 परसेंट पहले पेपर में कुल 200 में से 40 परसेंट और कुल मिलाकर 60 परसेंट कुल मिलाकर 60 परसेंट तो दूसरे पेपर में कितने क्योंकि मार्किंग तो सेम थी अगर अलग अलग होती तो मैं अलग अलग लेता तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि परीक्षा पर आधारित बनता है तो यहां हम ये कह सकते हैं चालीस प्लस का एक्स बराबर 120 एक और एक्स बराबर आपका 80 तो यहां उसको दूसरी परीक्षा में 80 परसेंट मार्क्स लाने होंगे तब जाके वो अपना बैलेंस को सेट कर पाएगा अदरवाइज नहीं कर पाएगा आप में से कितने छात्रों ने खुद कोशिश की बनाने की एक बार आप थम्सअप कर सकते हैं कि सर मैंने कोशिश की मैंने बनाया भी क्योंकि उससे क्या होगा एक अंदाज लगता है कि आप कितना समझ पा रहे हो इस तरह के प्रश्नों को ये एग्जाम में मतलब परीक्षा पर बेस्ड जो आता है वो ऐसा क्वेश्चन आता है ये एक टाइप है जो कि आपके पेपर में देखने को आपको मिलेगा सर दूसरा टाइप कैसा होता है वो भी समझाइए आइए अगला प्रश्न प्रश्न को पढ़ने के लिए दे रहा हूं आपको नहीं आता उसकी कोई सीरियसनेस ही नहीं है अभी क्योंकि मेरा काम पहले समझाना है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं फाउंडेशन कवर कर रहे हैं उनका रिवीजन कराना है तो भैया दोनों करवाऊंगा आप बिल्कुल टेंशन मत लो आदित्य को एक परीक्षा में अठहत्तर परसेंट अंक प्राप्त करने पर, प्राप्त हुए यदि उसे इतने अंक अंक प्राप्त हुए, तो अधिकतम कितने अंक थे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं सो बेसिकली कुछ नहीं करना होता इस कुछ, इस तरह के क्वेश्चनों में सेवेंटी एट एट परसेंट जो है वो उसके मार्क्स के बराबर कर दो आप अब यहां आपको पता है तेरह से कटेगा तो तेरह छिंग अठहत्तर तेरह पंजे पैंसठ और तेरह एकम तेरह आपने देखा तीन से काटा दो परसेंट बराबर ये हो गया सत्रह हंड्रेड परसेंट की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई आठ सौ पचास यानी कि जो आपके जो अधिकतम मार्क्स हैं वो आठ सौ पचास मार्क्स हैं अधिकतम मार्क्स कितने आठ सौ पचास हैं एट फिफ्टी है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं थोड़ा इस पे जो अपना दारो मदार करिए क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करना जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है आपको यहां सिखाकर भेजना मेरा काम है ठीक है चलिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताते रहे आप कि सर एक स्कूल में साठ परसेंट छात्र एक परीक्षा में पास हो गए सर यदि जो फेल हुए हैं ना उनकी संख्या दे रखी है सो बेसिकली सिक्सटी परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं सिक्सटी परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हुए हैं पास हुए हैं और फोर्टी परसेंट जो हैं वो आपके फेल हो गए हैं और फोर्टी परसेंट इज इक्वल टू टू फोर्टी है सो व्हाट अबाउट हंड्रेड परसेंट तो 100% इज इक्वल टू 600 तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछी है तो क्या आपका आंसर ये 600 होगा बिल्कुल भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा बताओ क्योंकि सर जी ये 600 तो टोटल लोग हैं अच्छा तो हमें तो निकालने पास होने वाले तो यहां आप ये कह दोगे कि 600 का 60% आप जब निकालोगे तो आपको पास होने वाले 360 छात्र मिलेंगे 360 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया है एक बार आप प्लीज एक बार क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें फिर मैं आपको सिखाता हूं लाइक शेयर में कसर ना छोड़ें ढाई सौ अभ्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 जो अभ्यार्थी हैं वो अभ्यार्थियों का जो प्रतिशत है 225 सौ अभ्यार्थियों उत्तीर्ण अभ्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए सर तो भैया 225 है ना तो डायरेक्टली दिख जाएगा आपको 90 परसेंट छात्र पास हो रहे हैं स्कूल में या फिर एक परीक्षा में क्योंकि पासिंग लोग जो है वो ज्यादा है और पच्चीस नंबर दो होता है नाइनटी विल बी और राइट आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ, अमेजिंग सा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और प्रश्न को ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आधा सा काम तो मैं ही आसान करवा दूंगा आपका हाँ फिर बचेगा का आधा काम उसे स्टूडेंट आराम से सीख जाता है अब एक कक्षा में जो है वो 82 परसेंट जो है छात्र जो है वो उत्तीर्ण है कितने हैं 82 परसेंट और दो परसेंट छात्रों को पुनर्पस्थित श्रेणी में रखा गया व्हाट इज द डू यू नो क्या आप जानते हैं कि री अपियर कैटेगरी मतलब आपको दोबारा परीक्षा देनी है री एग्जामिनेशन देना है ना ये पास हो गए दो आपको री एग्जामिनेशन के लिए बुलाए उत्तीर्ण होने वाले इतने हैं तो आप मुझे बताओ कि अगर उत्तीर्ण होने वाले इतने हैं और री एग्जामिनेशन वाली बात आ रही है तो ये कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड बनता है कि बच्चों से नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या लोगे बताओ कितने 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 परसेंट आप फेल मानोगे मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सिक्सटीन परसेंट तो कंप्लीटली फेल इसने घोषित कर दिए हा क्योंकि री एग्जामिनेशन वाले फेल काउंट नहीं होते हैं उनको दोबारा बुलाया जाता है और फिर बात की बात है अभी की स्थिति में यह है सोलह सोलह कैसे चौरासी तो है अभी सेफ है सोलह परसेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गए तो यहां से आप एक परसेंट की वैल्यू निकालेंगे सोलह तीन अड़तालीस सोलह सत्तर एक सौ बारह हंड्रेड परसेंट की जो वैल्यू आ गई वो सैतीस सौ आ गई जो इस परीक्षा में जो कुल आपके विद्यार्थी हैं वो सैतीस सौ छात्र आपके टोटल हो जाएंगे किसी को किसी तरह का कोई डाउट वाउट नहीं आ रहा ना डाउट आउट आ रहा है तो पूछ लिया करो भाई शर्म नहीं करनी है क्योंकि हमें सीखना है सर फाउंडेशन बैच ले लूंग आप ले लो भैया बैच है और आप सभी के पास होना चाहिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप अगर मेरा को मानते हैं कुछ कि यार मास्टर आर, कुछ बात होगी तभी कह रहा है तो बात है तो आप इसको ले लो बैच को गजब का बैच है और अभी ऑफर भी आपको दे रखा है मैंने क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितना मैं आपको दू ना मैं उसका कम से कम दस गुना आपसे वसूल करवा लू सेलेक्शन देकर भी और आपसे पढ़वा कर भी ठीक है चलिए तो यही है तो चीजें आप लोग पढ़ो बस मेहनत कर लो आपका सफलता अपने आप मिल जाएगी आपको और ये बढ़िया रिवीजन भी होता चला जाएगा चैप्टर कवर करते जाओ रिवीजन करते जाओ यही होता है तरीका अगला प्रश्न है अगर आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न को पढ़िए पिछले वालों से अलग हो सकता है जिनको नहीं आ रहा मैं उनको भी बोलता हूं ना यही तो जिनको नहीं आ रहा उनको बोलता हूं मैं कि दो परसेंट जब री, 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 के लिए बुलाया ना इसलिए तो उनको आप फेल नहीं काउंट कर सकते क्योंकि आप लोग हाँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनकी कमी बता देता हूं और वो एक्सेप्ट कर लेना भाई है ना बुरा मत मानना इसमें आप है ना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो आप सीधा आंसर देख रहे हो आपको लग रहा है सोलह पता नहीं कहां से आ गया बेटा देखो एट्टी टू परसेंट आपके पास हुए हैं दो अपियर हुए परसेंट तो, तो आपके सेफ हो गए तो फेल कितने हुए सौ परसेंट में से फेल हुए सोलह परसेंट अब यह भी नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम बहुत सारी है इससे सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा जवाब होगा नहीं मेहनत तो करेंगे तो होगा फरमान को किसी परीक्षा में ना फेल होने के लिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स की सिक्सटी परसेंट मार्क्स जो है वो प्राप्त करना आवश्यक है फेल होने के सॉरी उत्तीर्ण होने के लिए लाना ही है अब साठ अंक प्राप्त किए और साठ अंकों से फेल हो गया अब मैं एक नाम इस लड़के का नाम मैं लिख दिया फरमान इस लड़के का नाम है फरमान अब फरमान के कितने मार्क्स आए हैं साठ मार्क्स आए हैं तो इसने आकर ये नहीं बोला कि ये फेल हो गया हां रोहन कह रहा है सर कुछ भी समझ नहीं आया रोहन बहुत बुरी स्थिति है बेटा अब इस स्थिति से कैसे निकलोगे वरना फिर आप कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो जाओगे क्योंकि ऑलरेडी इतनी कम सीटें हैं और ऊपर से तुम पढ़ना भी नहीं चाह रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ रोहन लंबे समय तक चलेगी और यही साल नहीं बेटा अगले साल भी एग्जाम आने वाला है अगर आप एएलपी इस साल भर रहे हो अगले साल भी आप भरोगे अगर आपका ड्रीम है तो आप निकाल लोगे अदरवाइज फिर आप एक साल स्ट्रगल करोगे दो साल स्ट्रगल करोगे फिर आप कहोगे कि यार बेकार था सब और सिलेक्शन लेने वाले ले जाएंगे तो आप लोग इस स्थिति को देखो कि आप कहां लाएक करते हो एग्जिस्ट कहां कर रहे हो उसके बाद आगे बढ़ो है ना मेरा पर्सनल ओपिनियन है बाकी तो फिर आपकी मर्जी है आप अपनी मर्जी चलाते हो वैसे भी समझदार बच्चे से यही तो नुकसान होता है कि वो अपनी मर्जी चलाता है चलिए अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फरमान के साठ नंबर आए फरमान से ये नहीं बताया गया कि मैं फेल हो गया फरमान कह रहा है कि मेरे है ना साठ नंबर कम आ गए वरना मैं पास हो जाता तो नंबर और कम आ गए यानी कि नंबर और आ जाते तो क्या वो फरमान पास हो जाता और ये जो पासिंग मार्क्स हैं सिक्सटी परसेंट है देखो ना साठ परसेंट अंक पर पास हो जाता है अब ये बच्चा नहीं पढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगा प्रॉब्लम आएगा तो बस दिक्कतें आएंगी दिक्कतें आएंगी तो चीजें खराब हो जाएंगी तो क्लियर हो गया आपका 60 बराबर आपका कितना आ रहा है? 120 आ रहा रहा है है 120 100 की जो वैल्यू मैक्सिमम मार्क्स है ना वो आपके दो सौ नंबर हो गए क्लियर है अच्छा लग रहा है सर, इसके बाद कौन सा? इसके बाद बता दिया गया यही तो होता है बीच क्लास में आते हो कभी आते हो कभी नहीं आते हो पढ़ लूंगा ऐसे सोचते हो ऐसे फिर नहीं होता सिलेक्शन ये बात सब भी जानते हैं सब जानते हैं बात तो हम तो आज भुगत भोगी आदमी है ना इस चीज़ के कि भाई बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को रेलवे वालों को तो हमें पता है लास्ट तक तो हम ये भी बता देंगे भाई इस बच्चे का हो जाएगा क्योंकि अंदाज लग जाता है मेहनत करते रहो बस अगला प्रश्न आपके सामने ये है अब ढंग से करना है देखो गलती मत करना आइए देखो मनोविज्ञान मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए अब जो साइकोलॉजी आपकी सब्जेक्ट है अब उसमें आपको ऐसे पास होना है पास होने के लिए एक छात्र को 20 परसेंट अंक चाहिए मतलब अगर वो 20 परसेंट मार्क्स नहीं लेकर आएगा तो वो पास नहीं हो सकता ये बात पहली लाइन से समझ में आ गई होगी उसने 10 परसेंट अंक प्राप्त कर लिए हैं लेकिन वो फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया यानी कि जो 20 परसेंट पासिंग मार्क्स हैं तो वह बराबर कर दीजिए उसने दस परसेंट मार्क्स प्राप्त कर लिए लेकिन फिर भी वो बीस मार्क्स से फेल है यानी कि बीस मार्क्स और आ जाएंगे तो क्या वो पास हो जाएगा हाँ क्या बात है सर यानी कि ये जो बीस है ये मार्क्स है ये परसेंटेज नहीं है ये आपके मार्क्स हैं चलो अच्छी बात है तो यानी कि जो दस परसेंट बराबर है वह आपका बीस मार्क्स आ गया तो हंड्रेड परसेंट बराबर अभी आंसर नहीं आया हंड्रेड परसेंट बराबर दो सौ मार्क्स यानी कि आपकी इस परीक्षा के जो कुल अंक हैं वो 200 मार्क्स हैं ये होते हैं कुल अंक पूछा गया है पासिंग मार्क्स कितने होंगे तो पासिंग मार्क्स के लिए 20 परसेंट चाहिए तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए 200 का 20 परसेंट नंबर चाहिए यानी कि अगर आप 40 नंबर ले आते हो तो भी आप पास हो जाओगे और यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि पासिंग मार्क्स कितने हैं ठीक क्लियर है भाई जिनको फाउंडेशन लेना है ले लेना रात तक का ऑफर है अपनी एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर उस पर मिलता है बढ़िया बैच है ठीक है जो हो गया वो रिकॉर्डेड है जो चल रहा है वो लाइव मिलेगा और बढ़िया क्वालिटी दी जाएगी आपको अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं एक बार इसको ट्राई करें पचास लड़कियों और सत्तर लड़कों की एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया चालीस परसेंट लड़कियां और पचास परसेंट लड़के अब ये क्वेश्चन किस पे है ये क्वेश्चन आपका है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड जे एस एम ये कैसे होगा एक नंबर मेथड बताऊंगा एक नंबर ठीक है चलिए एक नंबर मेथड है देखिए अभी ये पचास लड़कियां हैं तो इन लड़कियों को जी लिख दो गर्ल पचास लड़कियां लड़के कितने हैं लड़के हो गए भैया सत्तर सत्तर अनुपात आ गया सर पांच अनुपात सात ये लड़के और लड़की और लड़के का अनुपात है यदि चालीस परसेंट लड़कियां चालीस परसेंट लड़कियां और पचास परसेंट लड़के भाग लेते हैं चालीस परसेंट लड़कियां और पचास परसेंट लड़के पार्टिसिपेट करते हैं तो कुल मिलाकर क्या होगा तो पहला मेथड नंबर वन मेथड नंबर वन क्या होता है भैया इनमें इसको इससे गुणा कर दो इनको कहते हैं वेटेड एवरेज तुल्यांक प्रतिशत तो ये आ गया सर 200 ये आ गया साढ़े तीन सौ बटे केक कटेगी सात और पांच बारह सब में बटेगी यानी कि सर जी ये हो गया 550 बटे बारह और दो से काटेंगे दो दूनी चार दो सत्ते चौदह दो पंजे दस और दो छिकी बारह छह चौके चौबीस बचे कितने तीन और छह पंजे तीस पैतालीस पॉइंट कुछ आएगा यानी कि लगभग छियालीस परसेंट के आसपास आ रहा है मेरा सर so, लगभग क्यों क्योंकि क्वेश्चन में लगभग नाम से चीज एक लिखी हुई है वो लगभग आपन को लेना है ये तो मेथड नंबर वन हो गया और आप में से कितने बच्चों ने ये मेथड लगाया है पूछना चाहता हूं ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि आप में से हम सर हमने ये मेथड लगाया है भाई लाइक like शेयर में कसर मत छोड़ना भाई बहुत मेहनत कराई जा रही है ऐसी मेहनत आपको कोई कराएगा नहीं ये बात ध्यान रखना यह बात आप सच जानते हो सब लोग ठीक है चलिए सो बेसिकली आपको यह चीज समझ में आई होगी जो मैंने बताई है लेकिन इसके पीछे एक और मेथड काम करता है जिसको जेएसएम बोलते हैं जूनियर मतलब छोटा वाला सेटिस्फैक्ट्री यानी कि सेट सेट करना है और uh, मेथड यानी कि जो आपका नियम है सर उसमें क्या होता है उसमें देखो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ले लिया मैंने फाइव अनुपात सेवन किसी को कोई दिक्कत नहीं होती यहां से यहां परसेंटेज जो आ रहा है वो आ रहा है चालीस परसेंटेज और यहां आ रहा है पचास परसेंटेज तो इन दोनों में से छोटा परसेंटेज कौन है चालीस है ठीक है चालीस कितना ज्यादा दस ज्यादा कितने में सात यूनिट में और बटे बारह कटेगी सब में बटेगी तो चालीस तो सेफ हो गया अब सत्तर बटे बारह पैंतीस बटे छतर बटे बारह पैंतीस बटे छ और इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये ही आ रहा है तो आ गया ना छियालीस परसेंट तो इसलिए ये मेथड अपने आप में एक बेस्ट मेथड है अब आप में से कई बच्चों को ये नहीं आता तो इसके मतलब ये नहीं कि ये इससे नहीं कर सकते आप इससे कर सकते हो इकलौता मेथड थोड़ी है ये लेकिन इसमें टाइम कम लगता है देखो को बेस माना यहां से यहां का अंतर निकाला जीरो यहां से यहां का अंतर दस इंटू सात सत्तर और केक कटेगी सब में बटेगी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं आप एक बार कोशिश करना अरे बने तो ठीक है नहीं बनेगा तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले किया था आज सब क्लास में हम आए थे सबसे पहला क्वेश्चन ये था हमारा और उसी तरह का ये लमसम क्वेश्चन है और मेरी कोशिश है कि मेरा हर छात्र ऐसे प्रश्नों को तो बनाएगा सिखाऊंगा भाई सिखाने के लिए ही हूं मैं ठीक है करो आराम से करो एक परीक्षा में है ना पास होने के लिए है ना किसी को कुल अंकों का पचास परसेंट प्राप्त करना होता है दो पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र ने दो सौ अंक दो सौ अंकों के पेपर में चालीस परसेंट प्राप्त किए और डेढ़ सौ अंक का दूसरा पेपर है मैंने कहा ना कि देखो यहां पेपर्स के जो मार्क्स हैं वो अलग अलग हो गए वहां सेम थे तो डेढ़ सौ अब उनमें कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए जिससे कि जो टोटल है टोटल उसको फिफ्टी परसेंट मार्क्स आ जाएं तो आप लोग है ना मतलब थोड़े से भी अगर कैलकुलेशन करने में सक्षम हो तो आपको इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे कि दो का चालीस हो गया अस्सी प्लस हो गया डेढ़ सौ का एक्स परसेंट इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं या तीन बटे दो एक्स लिख सकता हूं और पैंतीस का पचास परसेंट जीरो से जीरो डेढ़ सौ और पच्चीस एक सौ पचहत्तर तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये हो जाएगा कितना नब्बे तो तीन बटे दो एक्स बराबर नाइंटी फाइव और एक्स बराबर कितना आ रहा है एक सौ नब्बे बटे तीन तो ये भी लगभग ही है क्या देखो जो गढ़ तीन छिंग अठारह और तीन तीनों तिरसठ परसेंट तिरसठ पॉइंट चौसठ परसेंट के आसपास आ जाएगा तिरसठ पॉइंट कुछ आ रहा है सिक्सटी फोर परसेंट के आसपास आ रहा है भाई आ रहा है क्या आपका आंसर यही हाँ सही है अब अब करने से आई ना चीज कि नहीं आई बताओ हुआ कि नहीं हुआ चीजें कवर हो गई अच्छे से क्लियर हो गया वेरी गुड अब ये सब क्वेश्चन आपके एल भी पूछता है तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल भी होने नहीं देंगे चिंता ना करें आप चिंता तो नहीं करनी है बेटा हाँ जिन बच्चों को और भी बेसिक से कवर करना है आप फाउंडेशन ज्वाइन करो बेधड़क होकर और ये केवल वो एलपी के लिए नहीं है वो सभी एग्जाम्स के लिए है सभी एग्जाम इन द सेंस रेलवे के सारे एग्जाम्स लिए एन टीपीसी भी देगा वो अभी से तैयारी करना शुरू कर देना बेटा सबसे सही सलाह दे रहा हूं ठीक है क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं ठीक है कुछ नहीं करना भाई गुणा करना है बस बस बराबर करके सॉल्व कर लेना है एक्स की वैल्यू निकाल देना अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये देखिए थोड़ा अच्छा है अब ये थोड़ा सा पासिंग मार्क्स वाला ही है एक बार आप प्रश्न को पढ़ें और एक बार कोशिश करें बनेगा तो ठीक है नहीं बनेगा तो समझाऊंगा एक लाइन में कर दवा देंगे इस क्वेश्चन को अपन है ना हाँ अभिषेक मेन चीज ही वही है बेटा जो आप सही कह रहे हो कि क्वेश्चन का लैंग्वेज लैंग्वेज ही तो सबसे सही चीज होती है लैंग्वेज का ही तो खेल है भाषा ही तो घुमाती है एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का तीस परसेंट अंक प्राप्त किया कितने अधिकतम अंक का तीस परसेंट अंक प्राप्त किया है मोहित ने लेकिन पच्चीस अंकों से ये फेल हो गया यानी कि अगर वो तीस परसेंट अंक प्राप्त करता और पच्चीस अंकों से फेल हुआ है यानी कि पच्चीस अंक और आ जाते तो क्या वो पास हो जाता हाँ और एक दूसरा छात्र है जिसने अड़तीस अंक प्राप्त किए और वह पंद्रह अंक अधिक प्राप्त किए तो पंद्रह अंक घटा देता तो क्या वो पास हो जाता ये बात आपको समझ में आ रही है क्या किसी बच्चे को डाउट पूछ लेना है तो हा हा थोड़ा कम समझ में आता है इसलिए क्योंकि जब आपको समझाया जाता है तो बार बार आप यही कमेंट लिखते हो कि थोड़ा कम समझ में आता है आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा बट आप उस समय जब समझा रहे होते हैं हो, उस समय ये कमेंट लिखते हो कि नहीं समझ में आता है तो उस वजह से क्या होता है कि आप जो समझने वाला समय होता है उस समय आप ये कमेंट लिख रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है अब ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्योंकि ये लाइन एक लाइन में हो गया बस हो गया काम खत्म तो आप उस समय पढ़ाई पर ध्यान दो आगे से ये ट्राई करना ठीक है जो कोई चीज समझ में ना आए तब हाँ तीस परसेंट अंक प्राप्त किए लेकिन पच्चीस अंकों से फेल हुआ है यानी कि पच्चीस अंक और आएंगे तो पास होगा अड़तीस परसेंट अंक प्राप्त किए पंद्रह अंक ज्यादा हैं तो पंद्रह है, तो घटा देंगे तो आप समझ लीजिए अंक घटा देने पड़ेंगे भाई ठीक है तो यहां से कितना आ रहा है सर आठ परसेंट बराबर कितना आ रहा है चालीस तो हंड्रेड परसेंट बराबर कितना आ रहा है पांच सौ ये हो गया पांच और हाँ पांच सौ तो आवश्यक मार्क्स कितने उत्तीर्ण अंक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो सर ऐसी बात है तीस परसेंट तो है ही और पच्चीस मार्क्स पांच सौ का कितना परसेंटेज है ये दिखा लो ये पूरा है, तो ये हो गया सर पांच परसेंट तो पैंतीस परसेंट आपके क्या हैं उत्तीर्णांक है रोए रोए हैं क्लियर क्लियर है भैया तो लॉजिक की बात है सर हम ऐसे ना करें तो भाई ऐसे कर लो फिर तुम कि भाई 500 का 30 परसेंट निकाल लो 500 का 30 परसेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा डेढ़ सौ डेढ़ सौ और 25 175 और 175 का कितना 175 का 175 500 का कितना है क्योंकि 500 सौ आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं तो भी आंसर आपका पैंतीस ही आएगा तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है अगला क्वेश्चन देखना भाई रोए रोए करिए टेंशन नहीं लेने हैं मैथ की तो बढ़िया फाउंडेशन से बेसिक जिनका नहीं कवर है वो कवर करो और यहां से आप प्रैक्टिस करो मतलब री, मतलब रिवीजन टाइप तभी कंठस्थ हो पाएगा जिनका है कवर उनको टेंशन ही नहीं है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करो रोए रोए एक परीक्षार्थी जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट अंक अर्जित करता है सर और फिर वो बत्तीस अंकों से फेल भी हो जा रहा है यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट अंक अर्जित कर रहा है और बत्तीस अंक आ जाएंगे तो पास हो जाएगा चलो जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो चालीस परसेंट अंक अर्जित करता है और वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों थे अड़तीस अंक है तो अट्ठाइस अंक अधिक है तो अट्ठाइस कम करना पड़ेगा भाई तभी तो बात बराबर हो पाएगी बात तो उचित है यानी कि यहां से अगर आप पंद्रह परसेंट की बात कर रहे हो तो पंद्रह परसेंट बराबर आपके 400 हो गया। ठीक है। अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए तो बेहत्तर परसेंट अंक अर्जित करने वाले ने तो 400 अगर मैक्सिमम मार्क्स है तो बेहतर इंटू एक सौ अंक प्राप्त करेंगे क्योंकि बेहतर परसेंट निकालना है बस रोए रोए एक बार लाइक कर दीजिए जोरदार तरीके से हां बिना किसी शर्म के बिना किसी हया के ठीक है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फोड़ के बताओ भाई देखो करना है बस और सीख जाओगे तो खुशी मिलेगी आपको एक परीक्षा में पचपन परसेंट छात्र अंग्रेजी में पास हो गए 35 परसेंट छात्र गणित में पास हो गए बीस परसेंट दोनों में कंसेप्ट क्या है भैया कंसेप्ट कौन सा लगेगा ओ बसर वेन डायग्राम वाला हमें कैसे पता चलेगा अरे भाई यही तो मेरे को भी नहीं पता था मैंने भी प्रश्न पढ़ के पता लगाया और आपको भी एक ही चीज पेपर में देगा वो प्रश्न देगा एक ही चीज पेपर में देगा एक ही चीज देगा क्वेश्चन दे देगा पेपर में आपको और वही थे तो हमें हिंट मिलेगा और आंसर भी आपके सामने ही रहेंगे बस उनमें से एक सेलेक्ट करने का खेल है आओ सिखाते हैं कैसे सेलेक्ट होगा तो सर जी वेन डायग्राम में क्या बनाने होते हैं भाई दो गोले बनाने होते हैं जिसमें बोला क्या जा रहा है एक में बोला जा रहा है पचपन परसेंट अंग्रेजी में तो मैंने यहां इंग्लिश लिख दिया और इंग्लिश को मैंने इंग्लिश में लिखा फिफ्टी फाइव परसेंट और पैंतीस परसेंट गणित में ये क्या है ये भैया पास होने वाले हैं ये पैंतीस परसेंट हो गए गणित में अब बीस परसेंट छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए बीस परसेंट दोनों में बीस परसेंट दोनों में तो यहां पर कितना हो गया पैंतीस परसेंट केवल और केवल इंग्लिश और यहां हो गया पंद्रह परसेंट केवल और केवल मैथ यदि दोनों विषयों में असफल छात्रों की कुल संख्या तो अंदर जो बातें हो रही हैं ये सारे के सारे सफल छात्र हैं तो सर जी पैंतीस और पंद्रह पचास और भी सत्तर तो सत्तर परसेंट जो छात्र हैं ये सफल हैं यानी कि कितने असफल हैं सौ में से घटा दो तो तीस परसेंट असफल है और तीस परसेंट बराबर अगर बारह सौ है तो भैया हंड्रेड परसेंट बराबर मेरा हो गया कितना चार हजार और उम्मीद करता हूं रिवीजन की हो रही है भरमार बस अच्छा लग रहा है ना हाँ ना में जवाब दे दो अच्छा किसी को डाउट तो नहीं है पैंतीस बीस पंद्रह पैंतीस बीस पंद्रह ये हो गया कितना पचास और बीस सत्तर ये जो है वैंडाइगा नाम ये पास होने वालों का है उत्तीर्ण होने वालों का है तो अनुत्तीर्ण वाले कैसे निकाले कि ये तो सब पास हो रहे हैं तो सौ में से घटा दो हाँ ज्यादा इफेक्टिवली आप तब निकल पाओगे जब आप चीजें की हुई होती हैं तो आजा और अच्छे से इंपैक्ट आता है यही रिवीजन का सुपर तरीका है हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आराम से करना पढ़कर करना भाई है ना जल्दबाजी ना करना हर क्वेश्चन अच्छा है खूबसूरत सा है एक परीक्षा में पैंतीस परसेंट छात्र एक विषय में फेल हो गए बयालीस परसेंट छात्र अन्य विषय में और तीस परसेंट दोनों में अब यहां फेल फेल की बातें चल रही हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा तो गुरु जी फेल वाला बना दो अब यही होता है बस ये क्या है यही समझ है जो बाजार में नहीं मिलती है ये यह यहां पर कर्म भूमि में आती है पैंतीस परसेंट और आपका जो ये भैया कौन है पहली विषय मैंने मान ली चलो दूसरा मैंने मोल दिया भाई बयालीस परसेंट सेकेंड विषय में और और दोनों में कितना दोनों में कितना दोनों में तीस तो यहां कितना आ रहा है पांच परसेंट और यहां कितना आ रहा है बारह परसेंट यदि छात्रों की कुल संख्या इतनी है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं केवल एक विषय में बोला गया है तो भाई ऐसी बात है सर आंसर आएगा सत्रह परसेंट ऐसे कैसे बोल दिया आपने सर ये कोई तरीका है क्या आपका हाँ अब मैंने कहा भाई साहब यही तो फैसन है तीन सौ चालीस और पचासी चार सौ पच्चीस आंसर आएगा ये लिख के रख लो बात को अब आप पूछो मेरे से हाँ तभी तो मैं थोड़े नखरे तो करूंगा ना ऐसे थोड़ी बता दूंगा तुम्हें क्योंकि आप तो अब मुझसे ये बोलोगे सर सत्रह परसेंट जो जोड़ रहे हो आप वो तो फेल हो रहे हैं एक एक विषय में तो बेटा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या थोड़ा सा मैं इतरा रहा हूं है ना चलिए देखो इसलिए इतरा रहा हूं कि जो बच्चा पहली विषय में फेल होगा वो दूसरी विषय में पास होगा सेकंड में तो पास होगा ही होगा क्योंकि वो केवल पहली में फेल है तो इसमें पास होगा और जो बच्चा यहां पर दूसरी में केवल और केवल दूसरी में फेल है तो वो पहली में पास होगा है ना तो हमें यही निकालना है कि केवल और केवल एक विषय में पास होने वाले तो बारह और पांच सत्रह परसेंट ही होंगे सीखने को मिला बहुत मिल जाएगा बहुत ज्यादा एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत बढ़िया पर लाइक से ना हो पा रहा तुमसे बस ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है अब आते हैं हम चुनाव पर चुनाव लड़वा दें अब होते हैं इसको इलेक्शन कहते हैं सर इसको क्या कहते हैं इलेक्शन अब इलेक्शन में देखो खेल खत्म है पहला प्रश्न एक बार आप सोच लीजिए एक बार अरे सबके लिए ठीक रहेगा और जिनके पास अभी समय है जैसे टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं एन वाले हैं मैं देखो ऑनेस्ट बात करता हूं हमेशा आप फाउंडेशन ज्वाइन करो बढ़िया डिटेल में अच्छे से कवर किया गया है आपके पास टाइम है इसलिए ये मैं ए डेडिकेटेड लेकर चल रहा हूं है ना पहले ही बता देता हूं आपको और यहां से कुछ छूटेगा नहीं जिसको आता है भाई अभी जिसको बेसिक की कमजोरी है तो वो ताकत तो बनाएगा ना अपनी तो इसलिए तो और हां कहीं फालतू जगह पैसा मत डालना क्योंकि जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं उतना ही उससे कम कंटेंट आपको पेड़ में मिलेगा दुनिया के में ये मेरे जो वाला पेड़ है उसमें थोड़ी क्वालिटी अलग है वो आप बच्चों से भी कह सकते हो पूछ सकते हो राणा और रणवीर के बीच में एक चुनाव में राणा को इतने वोट प्राप्त हुए राणा जी वही है राणा जी हमको माफ करना गलती मारे से हो गई हाँ वही वाले राणा जी हैं और रणवीर को कितना मिलेगा सिक्सटी अभी खेल क्या बोल रहा है कि साठ हजार बोटो से हार गया राणा जी हार गए राणा जी हार गए लो ठाकुर तो गियो भैया तो अब ये जो जीत हार का अंतर होता है ना वो यहां से आता है इसमें से इसको घटाना होता है क्योंकि विनर में से लूजर को जब आप घटाओगे विनर में से अगर आप लूजर को घटाओगे तो आपका ऐसे आएगा ठीक है ट्वेंटी परसेंट बराबर आपका जो है वो सिक्सटी थाउजेंड के बराबर है हंड्रेड परसेंट जो है वो आपका एक लाख बीस हजार के बराबर है तो आनंद की अनुभूति होनी लाजमी है और, और, और सॉरी अभी तो आंसर ये नहीं आएगा रणवीर के पक्ष में कितने वोट पड़े तो एक लाख बीस हजार का सिक्सटी परसेंट हालांकि गलत दिया हुआ है इसमें आंसर तो टोटल देगा लेकिन गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में साठ हजार से हार गया बीस परसेंट बराबर ये ठीक है चलो क्या है कर रहा हूं मैं सही तो है तीन से गुना कर दो तो एक लाख अस्सी हज़ार आंसर आ गया ठीक है आठ परसेंट निकालना है क्लियर है भैया चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है करिए करिए आंसर दीजिए चुपचाप सर दो उम्मीदवार में एक चुनाव लड़ रहे हैं सर दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जो मत हैं वो वैलिड है मतलब इनवैलिड नहीं है सभी जो वोट्स हैं वो वैलिड वोट्स हैं अब एक उम्मीदवार जिसे 38 परसेंट वोट प्राप्त होते हैं हार गया भाई आप एक वाले को आप अड़तीस परसेंट वोट प्राप्त करवा रहे हो तो दूसरे को कितना होगा पहले तो मुझे यह बताओ फिर मैं आपसे थोड़ी सी आगे बात कर सकता हूं अदरवाइज मेरा कोई मन नहीं है इस चीज में आपसे पूछने का कि यार ऐसे क्या, करने है, क्या करना है आओ। तो अड़तीस परसेंट यह हो गया दो चालीस बासठ बासठ परसेंट दूसरे वाले को पहले वाले को अड़तीस दूसरे वाले को बासठ ये आपको क्लियर है अच्छा इतने वोटों से हार जाता है हारने का मतलब क्या है जीत हार का अंतर तो बारह में से आठ गया तो चार पांच में से तीन गया तो दो चौबीस परसेंट जीत-हार का अंतर है और वही किसके बराबर है अट्ठाईस हजार आठ सौ के अब चौबीस एकम चौबीस बचे चार चौबीस दूनी अड़तालीस बारह एक परसेंट बराबर बारह सौ और डाले गए कुल मत कितने हो जाएंगे एक लाख बीस हजार किस किस बच्चे ने खुद किया स्वयं अपने हाथों से किया जल्दी बताओ कमेंट करके बोले सर मैंने किया है मेरे हाथों से किया है मैंने मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप खुद कहेंगे तो अगला करेंगे देखो अब दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ अब यहां अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा वो बहुत आसान न हो जाएगा लेकिन मैं आपसे एक बार चाहूंगा कि आप बनाओ मत आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो आसान तरीका सिखाऊंगा आपको अब दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव लड़ा लेकिन यहां एक चीज बात आ रही है कि सर आठ परसेंट जो वोट है ना वो इनवैलिड हो गए यानी कि अगर हम बात करते हैं हंड्रेड परसेंट की तो आठ परसेंट जब आपके पास इनवैलिड हो गए हैं तो घटाना नहीं है आठ परसेंट इनवैलिड होने का मतलब हो गया नाइन्टी टू परसेंट जो है वो वैलिड हो गए हैं ये कहानी किस किस बच्चे को समझ में आती है और ये वैध्य मत है आपके चलो अब बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध्य मतों का 60 परसेंट प्राप्त होता है तो वैध्य मतों को अगर मैं ये मान लेता हूं एक्स तो एक्स का 60 परसेंट जीतने वाले को और उसी एक्स का 40 परसेंट हारने वाले को प्राप्त होगा कि नहीं होगा बताओ सही है तो जीत हार का अंतर कितना हो जाएगा 20% परसेंट ऑफ एक्स क्योंकि इतने मतों से जीत हासिल करी और ये बराबर हो जाएगा पांच हजार आठ सौ अट्ठासी के रखना अब सर यहां एक परसेंट की जो वैल्यू आ रही है या कह सकते हैं एक, एक एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो पांच से गुणा कर दो पांच हजार आठ सौ अट्ठासी दस बटे दो तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है दो दूनी चार दो नाम अट्ठारह दो चौके आठ दो चौके आठ उन्तीस हजार चार सौ चालीस अब ये मतदाता पंजीकृत हैं ये पूछा गया कि कितने मतदाता पंजीकृत हैं अब उनतीस हजार चार सौ चालीस जो है वो नाइन्टी टू परसेंट के बराबर है ऐसा क्यों कह रहे हो अरे भाई एक्स को नाइन्टी टू परसेंट ही तो माना है अरे गुरु जी यही तो बात है यही तो चीज है जो सीखनी है तो तेईस से काटो या चार से काटो तेईस से काट चार से काट दिया मैंने तेईस बार और चार से काट दिया मैंने चार छिकी चौबीस चार सत्ती अट्ठाईस चार तिया बारह और चार छिकी चौबीस और एक परसेंट बराबर कितना हो गया तेईस तिया उनहत्तर तेईस दूनी छियालीस तो आपके जो हंड्रेड परसेंट पंजीकृत मतदाता आ जाएंगे वो मेरे बत्तीस हज़ार आ जाएंगे और उम्मीद करता हूँ क्लियर है तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं पता होंगे तो ठीक है डायरेक्टली काट सकते थे लेकिन डायरेक्टली से आपको कंफ्यूजन हो सकता था लेकिन इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया जिससे कि आप थोड़ी कैलकुलेशन को भी आसान बना पाए वरना तो फिर पचास तरीके हैं वैसे तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन करता है नॉर्मल इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है ये पेपर में सौ प्रतिशत आता है हाँ आज परसेंटेज आपका एंड हो जाएगा किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो ये है यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशो है वो टू रेशो सेवन है यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या पंद्रह परसेंट और बीस परसेंट की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी चीजों में आप दो सौ और इसको आप सात सौ मान लिया करो दो सौ मानोगे तो एक सौ पंद्रह बटे सौ और सात सौ मानोगे तो एक सौ बीस बटे सौ तो ये 223 230 और 840 तो तेईस अनुपात चौरासी आंसर आ जाएगा हमारा भाई मज़ा आ रहा है क्या बट मेरे को है ना लाइक नहीं कर रहे हो तुम मुझे बड़ा दुख हो रहा है अंदर ही अंदर दिल सा टूट रहा है मेरा जी कलेजे को आ। सर ए क्लियर हो जाएगा भाई ऐसे ही करवाऊँगा मैं तो कि ए ए क्लियर भी होगा और सौ प्रतिशत होगा ये बात समझे आप हाँ जो तक, भाई साहब जानते नहीं हो तो मेरे को बस वही तो बात है चलो ठीक है नहीं जानते तो बताएंगे फिर आपको भी आओ कभी हमारे पास ढंग से पढ़ो पढ़ो है ना नहीं जानते तो ऐसा करो आप किसी नए बच्चा जो स्टेशन मास्टर लगा हुआ हो उससे पूछो हाँ बस यही हमारे अंदर कमी है कि हम शो ऑफ नहीं कर पाते भाई अगर हम मान लो पढ़ाने के साथ साथ शो ऑफ करते तो फिर पढ़ा नहीं पाते ये बात भी है तो आज शायद हो सकता था कि तुम भी हमारे शॉर्ट्स देख रहे होते वीडियो नहीं बाकी कोर्स ले रहे होते है? तुम भी मेरे शॉर्ट्स देख रहे होते वीडियो नहीं देख रहे होते शॉर्ट्स देख रहे होते और फिर कोर्स ले रहे होते शानदार ट्रिक के साथ में <laughs> ऐसा नहीं है मेरा नेचर नेचर अलग है मेरा है ना भाई थोड़ा अलग टाइप का आदमी हो ठीक है चार सौ मतलब ऐसे टिपिकल टीचर टाइप का है ना जैसा टीचर होते हैं प्रत्येक में इतनी इतनी वृद्धि है तो देखो ये भी तरीके से करना होता है देखो 115 कर दिया 124 कर दिया अब 135 कर दिया तो ये हो गया सर जी 460 620 270 और 40 1080 जीरो से काट दिया जीरो और बाकी तेईस इकतीस ए चौवन सिंपल इंक्रीमेंट है कमल मीणा सिंपल इंक्रीमेंट है भाई अब तेरे को ये भी नहीं आ रहा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है फिर नहीं कर सकते कुछ भी फिर तेरे को फाउंडेशन ही लेना चाहिए और अगर तू फाउंडेशन वाला ही कमल मीणा है तो फिर बात तो फिर अलग ही है एक कंपनी में 75 परसेंट कुशल श्रमिक हैं मतलब कुशल समझते हो कुशल मतलब आ, मतलब बढ़िया स्किल्ड बाकी के है? कुशल हैं तो मैं स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ सेवेंटी फाइव परसेंट यानी कि तीन और अनस्किल्ड मतलब एक ये कैसे वो पच्चीस से 75 और पच्चीस अब क्या बोला जा रहा है कि चौरासी परसेंट कुशल श्रमिक और 28 परसेंट अकुशल श्रमिक स्थाई हैं परमानेंट हैं अब मैं ये कहना चाहता हूं इसका 84 परसेंट परमानेंट है और इसका 28 परसेंट परमानेंट है तो मैं उल्टा चल रहा हूं अब देखो उल्टा कैसे चलूंगा कि 16 परसेंट आपके टेम्परेरी है यहां पर और यहां पर बहत्तर परसेंट टेम्परेरी है आप बात समझ रहे हो स्थिति समझ रहे हो आप ये मैंने क्या कर दिया परमानेंट नहीं है ये टेम्परेरी है टेम्परेरी मतलब कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं सर टेम्परेरी क्यों मान रहे हो क्योंकि यहां पर जो संख्या दी हुई है वो अस्थाई श्रमिकों की दी हुई है मुझे अच्छा तो क्या लगाओगे जे एस एम सर नहीं लगाना चाहूं तो वो वाला लगा लो चौदह सोलह तैया अड़तालीस और बहत्तर एकम बेहत्तर और केक कटेगी तो तीन और एक चार सब में बटेगी तो ये इससे भी कर सकते हो आप सर जी ये आ रहा है मेरे पास अस्सी एक सौ बीस बटे चार हो गया पंद्रह परसेंट सॉरी एक सौ बीस बटे चार हो गया तीस परसेंट तो तीस परसेंट किसके बराबर है डेढ़ सौ के बराबर तो हंड्रेड परसेंट किसके बराबर है पाँच सौ के बराबर खेल खत्म कैसा लगा सेशन यार बता दो यार हाँ उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज हमने पूरा रिवाइज कर लिया है अब आप मिक्सर की बात करोगे तो वो मिक्सर में कवर करवाऊँगा मैं है ना मिलाने परसेंटेज वाला है ना मिक्सर जो आता है वो मिक्सर में कवर होगा कल 11 बजे हरीश भैया आएंगे कल संडे है हरीश भैया के साथ आप रूबरू होइएगा अभी, अभी 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 तीन बजे अभी तीन बजे मेरा आज आएगा टॉपिक टिग्नोमेट्री है ना आज तीन बजे हम टेक्नोमेट्री देंगे आपको क्योंकि शनिवार है और शनिवार रविवार शॉर्ट वीडियो का वादा किया हुआ है आपसे कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो मिलेगी आपको अपने परिवार पर तो आप परिवार से जुड़ जाए टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं जो अपने अगर जो बच्चे जिन्होंने पूरा कवर किया हुआ है वो टेस्ट सीरीज भी कवर कर सकते हैं रेलवे की अलग एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज अब आते हैं अपने टाइम टेबल पर जो कि एक्सप्रेस बैच का चल रहा है नौ दस ग्यारह चलता है मंडे टू सैटरडे ठीक है सैटरडे uh, संडे हम एक्स्ट्रा जो अपना ये स्लॉट है उसमें कुछ अलग देते हैं यूनिक चीजें देते हैं आज मैं आपको टेक्नोमेट्री दे रहा हूं कल सिंप्लीफिकेशन दूंगा हरीश भैया आपको आज रात को दस बजे कुछ अच्छा कराएंगे कुछ बढ़िया टॉपिक करवाने वाले हैं जो मैंने बताया था लेक्स इन इंडिया करवाने वाले मैप के थ्रू समझाएंगे कि लेक कौन कौन सी है पूरे भारत देश में अपने साथ के साथ में सी आर आज सर का होगा ठीक है छह बजे तो बढ़िया पढ़ाई करो अपना टेलीग्राम चैनल मैथ भाई साहिल सर जिसपे पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आप तैयारी करना चाहते हो किसी भी एग्जाम की कोई भी एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो भैया हमारे पास शॉर्टकट्स नहीं है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और ना हम दे सकते हैं सिलेक्शन चाहते हो हो जाएगा बट मेहनत करना चाहते हो मेहनत कर पाओगे अगर हां तो भैया आप जुड़ो अगर आप नहीं आपका जवाब आता है तो मैं नहीं दुनिया की कोई भी ताकत नहीं करवा सकती सिलेक्शन और अगर करवा सकता हूं तो मैं आपका करवा सकता हूं अगर आप ढंग से पढ़ लोगे मेरे बैचेस को क्यों ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख कर रहा हूं मेहनत और मैं मेहनत जो कर रहा हूं वो मेरी मेहनत इस बैच में दिख रही है आपको यहां पर भी दिख रही है मैं ऐसा नहीं कि फ्री में अच्छा नहीं पढ़ाता बेकार पढ़ाता हूं या पेड़ में मैं टाइम ज्यादा देता हूं यहां पर वो मेरी क्वालिटी है और उसी क्वालिटी का यहां पर आपका जो अमाउंट है वो ऑफर में आपको मिलेगा लेकिन भैया वो अमाउंट बहुत छोटा लगेगा ना आप पढ़ने के बाद यह बोल दें कि हमने साहिल सर को लूट लिया तो आप फिर मेरा नाम बदल देना पढ़ने के बाद में बिना पढ़े तो बाहर से दुनिया पता कैसी नजर आती है ऐसी नजर आती है जैसा आपने दो सौ रुपए का कोई कोर्स लिया होगा वैसी नजर आती है बाहर से अंदर से कैसी नजर आती है वो अंदर आने के बाद पता चलेगा तो जो चैप्टर हो चुके हैं वो रिकॉर्ड में जो चल रहे हैं वो लाइव मिलेंगे लगातार क्योंकि जो हो गया वो तो रिकॉर्ड मिलेगा उसका कंटेंट पीडीएफ सब कुछ मिलने वाला है कौन को जुड़ना है आपको जुड़ना है अगर सर हम तो पूरा जोड़ना चाहते हैं तो पूरा एक हमारा आर आरबी बैच है जिसमें आपको सारी सब्जेक्ट मिलेंगी रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच मैथ रीजनिंग जीके जी एस सब कुछ अलग अलग भी ले सकते हो और पूरा भी ले सकते हो पूरे में फायदा है तो पेड कोर्स में आप जाओ आर आरबी लेना है आर आरबी लो इंडिविजुअल लेना इंडिविजुअल लो कूपन वूपन सब वहीं लगे हुए हैं वहीं पे हैं जब लेने जाओ तो कूपन आज रात तक वैलिड है आज रात तक वैलिड है आज रात तक वैलिड है तो आज रात तक वैलिड है तो आप देखिए जाके अब मजे लीजिए ठीक है कूपन ऊपर लग जाएगा आप जब भी जाओगे तो आपको मिलेगा ऑफर तो जाओ भैया पढ़ाई करो अपनी जाकर साथ के साथ अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स भाई सर को डाउनलोड कर लो और जुड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है और बढ़िया तरीके से पढ़ लिया ठीक है तो बस यही वाली बात है आप लोग यही बोलोगे कि भाई साहब आपने मुझे लूट लिया पढ़ने के बाद में <laughs> यही बोला था ना मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया हाँ सर फाउंडेशन की एक साल वैलिडिटी है वन ईयर चलिए अच्छा पढ़ो यार टेंशन मत लो मैं हूं ना साथ में तो सब कुछ आसान है ये ध्यान रखना ओके बाय बाय है ना ध्यान रखो अभी मैं मिलूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तीन बजे ठीक है सब लोग तैयार रहना ओके